दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अनूप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग में एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी आई है जो कि है सिक्योरिटी असिस्टेंट और MTS की। 2023 की जो वैकेंसी है वो अनाउंस हो चुकी है। इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी हम देने जा रहे हैं, जैसे कि इसमें कुल कितने पद हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट और MTS में, इसके अलावा आप आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं, इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता क्या है, इसके अलावा और क्या योग्यता मांगी गई है, इसके साथ ही आपकी आयु सीमा, आपको वेतन कितना मिलेगा, एग्ज़ाम फीस क्या है आपकी, इसके अलावा एग्ज़ाम की चयन प्रक्रिया क्या है, किस किस प्रोसेस से होकर आपका चयन होगा, क्या क्या एग्ज़ाम में पूछेगा, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने जा रही है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो वैकेंसी है वो खुफिया विभाग यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में है, सिक्योरिटी असिस्टेंट की है और MDS की। ठीक है, कुल पद की अगर बात करें तो सिक्योरिटी असिस्टेंट के 1525 पद हैं, इसके साथ ही MTS में 150 पद निकाले गए हैं। ठीक है ना, अगर बात करें कि आप आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं, तो आप आवेदन 21 जनवरी से, ध्यान रखें आप 21 जनवरी से 10 फरवरी 2023 तक आवेदन कर सकते हैं इन पोस्ट के लिए। ठीक, अगर आप एप्लीकेबल हैं, अगर आप योग्य हैं तो आप इसके लिए जरूर आवेदन करें। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें कि शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो अगर आप 10वीं पास हैं, चाहे कहीं से भी, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से, अगर आप 10वीं पास हैं, इसके साथ आप जिस जोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस रीजन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उस रीजन का आपके पास निवास होना चाहिए। ठीक है, आप दूसरे रीजन में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और जिस रीजन में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की आपकी स्थानीय भाषा आपको आनी चाहिए, ये आपसे मांगा गया है योग्यता में। पहला तो आप 10वीं पास हों, दूसरी कि आप उस रीजन के निवासी हैं, उसी रीजन में आप अप्लाई करेंगे, इसके साथ आपको स्थानीय भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर ये योग्यता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास फील्ड एक्सपीरियंस है किसमें, इन इंटेलिजेंस वर्क में अगर आपको फील्ड एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, अब अगर बात करें कि आपकी आयु सीमा क्या रखी गई है इस पोस्ट के लिए, तो अगर हम बात करें सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए तो आप 18 साल से 27 साल तक हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, और अगर MTS की बात करें तो आप 18 साल से 25 साल तक हैं तो आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे जो एज काउंट होगी वो होगी 10 फरवरी 2023 से। अगर आप 10 फरवरी 2023 को 18 साल से 27 साल के बीच में हैं तो आप सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आप 10 फरवरी 2023 को 18 साल से 25 साल के बीच में हैं तो आप MTS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आपको ST SC में 5 साल की छूट मिलती है अपर एज में, तो 27 5 हो जाएगा 32 साल, और ये हो जाएगा OBC में 3 साल, तो 27 3 30 साल तक। ठीक है, तो अपर एज में आपको ST SC को 5 साल और OBC को 3 साल के लिए छूट मिलती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वेतन के बारे में कि कितनी सैलरी आपको इसमें देखने को मिलेगी अगर आप इस पे सेलेक्ट हो जाते हैं। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट की अगर बात करें तो सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए यहाँ पर लगभग लगभग 34,000 के आसपास आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, सारे अलाउंसेस जोड़ने के बाद आपको 34,000 के आसपास यहाँ पर सैलरी मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें MTS की, तो अगर आप MTS में सेलेक्ट होते हैं तो आप 28,000 जो है आपको सैलरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप फॉर्म भरते हैं दोनों के लिए, आप अगर एलिजिबल हैं, अगर आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप प्रेफरेंस दे सकते हैं पोस्टों की। ठीक है, कि आपको ये बनना है कि ये बनना है। ठीक है, दोनों की आप प्रेफरेंस दे सकते हैं एक ही फॉर्म में। ठीक है, अगर हम बात करें एग्ज़ाम फीस की, तो जनरल OBC EWS, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं यानी UR से, OBC से, EWS से, तो
आपको 500 रुपये पेमेंट करना होगा। इसके अलावा एसटी एससी पीडब्ल्यूडी या कोई भी कैटेगरी से फीमेल कैंडिडेट हो तो उनको 50 रुपये पेमेंट करना होगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया। ठीक है, चयन प्रक्रिया इसकी जो है 3 प्रोसेस से होकर गुजरेगी, तो Tier 1, Tier 2, Tier 3। ठीक, तो Tier 2 है आपका क्वालिफाइंग में और Tier 1 और Tier 3 के बेस पर आपका जो है सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा। तो देखिए, अगर हम बात करें Tier 1, तो Tier 1 में आपका आएगा जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन और जनरल स्टडीज़ के 20 क्वेश्चन। ठीक, 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से, 20 क्वेश्चन मैथ से, 20 क्वेश्चन रीजनिंग से, 20 क्वेश्चन इंग्लिश से, 20 क्वेश्चन जनरल स्टडी से। ठीक, 100 मार्क्स का पेपर होगा, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का। यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं तो 100 क्वेश्चन में 100 मार्क्स के, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का। यहाँ पर आपकी 1/4 निगेटिव मार्किंग रखी गई है। इसके साथ आपको 1 घंटे का यहाँ पर समय मिलेगा 100 क्वेश्चन बनाने के लिए। एग्ज़ाम आपका 10वीं लेवल का होगा, तो इसको आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो। ठीक है, बात करेंगे Tier 2 की, तो Tier 2 आपका ऑफलाइन होगा। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा आपका, इसमें आपको ट्रांसलेशन करना होगा। बेसिकली देखिए, ट्रांसलेशन जो है आपको इंग्लिश से आपके लोकल लैंग्वेज में या तो लोकल लैंग्वेज से आपका इंग्लिश में करना पड़ सकता है, यानी कि आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए इंग्लिश की, इंग्लिश से आपके लोकल लैंग्वेज में और लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में आपको ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, जो कि 1 घंटे का होगा और 40 मार्क्स का होगा। ध्यान रखें, 1 घंटे का पेपर 40 मार्क्स के लिए, ये पेपर आपका क्वालिफाइंग है, इसीलिए आपका जो है MTS में अगर आप इस 40 में से, MTS में अगर आप इस 40 में से 16 नंबर ला लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे। 40 में से 16 मार्क्स अगर आप ला लेते हैं तो आप पास हो जाएंगे। अब Tier 2 में एक एग्ज़ाम ऐसा है जो केवल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए है। देखिए, ये वाला Tier 2 जो है, ये वाला जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, ये सभी के लिए है, 40 मार्क्स का 1 घंटे के लिए। तो MTS वाले अगर इस 40 में से 16 नंबर ला लेते हैं तो पास हो जाएंगे। ठीक है, केवल पास करना है इसको, आप इसमें कितना 40 में 40 भी ला लेंगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है। ठीक है, अब बात करें अगर कि ओनली फॉर सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए आपका स्पोकन एबिलिटी चेक होगा, आपके बोलने की क्षमता जो है चेक करेंगे सिक्योरिटी असिस्टेंट में, Tier 2 में ही। ठीक है, जो कि आपका 10 मार्क्स का होगा। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए Tier 2 का जो हो गया वो 10 और 40 हो गया 50 मार्क्स का, तो 50 में से आपको लाना है 20 मार्क्स। अगर आप सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 40 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव हो गया, इसके साथ 10 मार्क्स की आपकी स्पोकन एबिलिटी हो गई, तो 50 मार्क्स में आपको 20 मार्क्स लाना है तो आप Tier 2 को क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, अब बात करें Tier 3 की, तो Tier 3 भी केवल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए रखा गया है। ठीक है, Tier 3 आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए है, आपका जो है इंटरव्यू होगा जो कि 50 मार्क्स का। ठीक, अगर आप इन तीनों स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप जो है इस विभाग में आपको जॉब मिल जाएगी। देखिए, सीधी सी बात करें तो MTS में अगर आप MTS के लिए अप्लाई करते हैं तो Tier 1 होगा, Tier 2 होगा, बस Tier 2 क्वालिफाइंग होगा, Tier 1 के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा MTS में। केवल आप इसमें अच्छा स्कोर ला लीजिए, आप पास हो जाएंगे। इसको केवल आपको 16 नंबर लाना है तो आप इसमें पास हो जाएंगे, इसके आधार पर आपको नौकरी मिल जाएगी। और अगर आप बात करें सिक्योरिटी असिस्टेंट की, तो उनको Tier 1, Tier 2 और Tier 3 तीनों Tier उनको देने होंगे, जो कि Tier 2 उनका क्वालिफाइंग है, Tier 1 और Tier 3 के आधार पर उनका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि कंप्लीट जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।